फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में टेस्ट इमेज के माध्यम से आपको विंडोज़ 7 का एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, विंडोज़ का एक बहुत काम का सीक्रेट सॉफ्टवेयर। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ असंभव है, लेकिन साथ ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। चूँकि कंप्यूटर के क्षेत्र बहुत लार्ज है, इसकी हज़ारों कैटेगरी हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति कभी सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अक्सर अगर कोई प्रॉब्लम आने पर आपको दूसरों से हेल्प की आवश्यकता पड़ती है या किसी गाइड की जो हमें उस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता सके। अगर आप खुद की कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइड तैयार करना चाहते हैं और जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता सके, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी होगी। यह बहुत आसान है। विंडोज 7 में एक बहुत सीक्रेट सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, हाउ टू यूज़ प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और स्टार्ट सर्च बॉक्स में PSR टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, या विंडोज प्लस R दबाइए और PSR टाइप कीजिए। इससे प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर ओपन होगा हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं किस तरह से उसका विंडो दिखाई देता है। डियर फ्रेंड्स, इमेज के माध्यम से यह सॉफ्टवेयर छोटा लेकिन बहुत पावरफुल है। इसमें 3 बटन होते हैं, स्टार्ट रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्ड और थर्ड है ऐड कमेंट। ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, जैसा कि दिखाया गया इमेज में, ठीक है। कैसे काम करता है डियर फ्रेंड्स, हाउ इट वर्क्स। जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्ड बटन दबाएंगे, वैसे ही यह आपके द्वारा किए जा रहे हर काम को स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली कैप्चर करना शुरू कर देगा। आप जहां भी माउस से क्लिक या कीबोर्ड से टाइप करेंगे, आपका हर स्टेप एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और एक RAR/ZIP फाइल में सेव किया जाएगा। स्टॉप रिकॉर्ड का बटन दबाते ही RAR/ZIP फाइल आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। इसको कीजिए एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कीजिए। आपकी PC गाइड तैयार हो जाएगी। इसमें आपका हर स्टेप रिकॉर्ड हो जाएगा, वह भी स्क्रीनशॉट के साथ। अब आपको जिसकी भी मदद करनी हो तो आप उस व्यक्ति तक यह फाइल ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो देखा डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके माध्यम से किसी की भी हेल्प की जा सकती है, स्वयं की भी हेल्प की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।